शुक्रवार को हुई बारिश में बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर चूचूहियापारा के घरों में जल भराव हो गया। इस दौरान लोगों के घरों के सामने सामान पानी में तैरते हुए दिखाई दिया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे के जमीन पर निगम के द्वारा नाली बनवाई गई थी, जिसके ऊपर महामाया मंदिर समिति के द्वारा अवैध तरीके से भवन निर्माण किया गया, जिस वजह से नाली का पानी पास नहीं हो पा रहा। जोन क्रमांक 6 के कमिश्नर विभा सिंह, पार्षद इब्राहिम खान मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ पाया गया। कुछ घरों की दीवारें भी टूट गई। निगम कमिश्नर ने कहा कि मोटर पंप की मदद से घरों में भरा पानी निकाला जाएगा और आपसी समझौते से नाली के ऊपर चैम्बर बनाकर समय समय पर सफाई की जाएगी। नाली को पार्षद महोदय को बोले थे कि साफ करवा दीजिए करके, पर ध्यान नहीं दिए। आज मेरे घर में पूरा पानी भर गया, न पकाए न खाए, बच्चे को रखने के लिए जगह नहीं है, पूरा बर्तन तन भी मतलब तैर रहा है पानी में एकदम। बहुत बहुत सारा हम लोग के कॉपी किताबें सब भी नुकसान हुआ। कब से ये पानी भर रहा है? ये बीच में भरा था हल्का, लेकिन आज बहुत ज्यादा है, पूरा मतलब ये घुटना तक से ऊपर हो गया है पानी, और मतलब बिस्तर तो सब खराब हो गया हम लोग के घर का। और ध्यान देते तो हो जाता, लेकिन नाली साफ कराने के लिए बोली थी, मैं खुद बोली थी और दीदी लोग को लेके गई थी, फिर भी ध्यान नहीं दिए। बड़ा नाली है, नहीं बनता, ऐसे करके बोल दिए। इस सालों से ये समस्या बनी हुई है, ये तो बहुत सालों से है, लगभग फिर भी 10 साल आसपास से है। आपका नाम? रोशनी खांडे। और घर में पानी भर गए भाई, और देखना कोनो कुछ करत नहीं है। और ये 5 साल चोर है तेना ना, ये नाली उली साफ नहीं करवा थे ना कुछ नहीं। और घर में नान नान बाल बच्चा है, हैं तो फिर ये घर में जो कुछ हो जाही, काही हो जाही, लड़का मान ला कि हम मान ला, तेखर भरपाई कौन कर, घर भसक गए है। कब से ये समस्या बनी हुई? ये 8-10 साल हो गई। तो क्या इसको शिकायत आप किए थे? करे रहे हैं, कोई हमन के ध्यान नहीं। शिकायत किए थे? नगर निगम में भी करे रहे हैं, पार्षद से भी करे रहे हैं। कौन है पार्षद अभी? ओ अब्दुल। अब्दुल, आपका नाम बताएं? दुर्गा यादव। बताएंगे क्या समस्या आ रही है? सर, नाली के पानी इसलिए नहीं निकला कि नाली के ऊपर भवन बनाती है मंदिर वाले, महामाया मंदिर वाले, इसलिए जो कचरा है पास ही नहीं हो रहा, तो पूरा घर में पानी भर जा रहे हैं। और कचरा मेन कारण है भवन, जो नाली के ऊपर भवन बना है, इसके नाम से ना पानी निकासी नहीं हो पा रहा। तो कब से बनाए हुए हैं वो? ये करीबन 8-10 साल हो गया। अमरदास बंजारे जो पार्षद था, वो खुद खड़ा होकर बना है भवन को। तो क्या वो कभी बैठक करके इसका समझौता करने की कोशिश किए? इसके लिए हम लोग महामाया मंदिर वाले लोग से बोले, कोई ध्यान नहीं दिया। महामाया मंदिर पार्षद को बोले, पार्षद भी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। नगर निगम में इसकी शिकायत किए थे? नगर निगम में शिकायत नहीं किए सर, क्योंकि एक दो बार बोला हूँ तो कोई ध्यान ही नहीं दिए सर इसके बारे में, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो क्या उच्च अधिकारियों से या कलेक्टर से क्या इस विषय में कभी बात रखे हैं? सर, एक बार मैं गया था वहाँ, आवेदन दिया भी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, आवेदन दिया हूँ उसके बावजूद भी। कब से ये समस्या आ रही है? ये तो 8-10 साल हो गया सर, ऐसी जब से भवन बना दिए नाली के ऊपर, जब से। अभी मलेरिया डायरिया भी जो फैली हुई है, तो उसको लेकर क्या देखते हैं इसको? यहाँ पीने का पानी भी एकदम दूषित आ रहा है, जिसे पीलिया भी हो गया। यहाँ 5-7 लोगों को पीलिया हो गया है, डायरिया शिकायत अलग हो गया है। और इसके बारे में पार्षद को हम लोग बोल चुके हैं, नगर निगम में मैं शिकायत भी किया हूँ इसके बारे में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे उसके बारे में। ठीक, आपका नाम बताओ? मैं सत्येंद्र खांडे, गणेश। देखिए, वार्ड में पानी कुछ घरों में भरा है, आप तो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी गिरा है पूरे शहर में। अब चूंकि क्या होता है, ये वार्ड का एक निचला हिस्सा कहलाता है, जिसमें फॉरेस्ट फदाकार का पानी, आपका अन्नपूर्णा का पानी, रेलवे का पानी, सारा पानी यहीं से होकर गुजरता है। कुछ जगह जाम लगे थे, उसको लेके कुछ मकानों में पानी भरा था। कर्मचारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, निकासी बढ़ना निकलना शुरू हो गया है, थोड़ा देर में पानी निकल जाएगा। कहीं कहीं मकान भी भरने का, अब चूंकि कच्चा मकान है, इनको अलर्ट हो भी गया है, अटल आवास प्रक्रिया चल ही रहा है, थोड़ी बहुत तो नुकसान हुई है, उसकी भरपाई को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पानी को स्पीड से निकाला जा रहा है, तो लगता है मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान तो दिख रहा है। निगम की टीम लगी हुई है साफ सफाई के लिए, डीवाटरिंग पंप भी लगा रहे हैं, तो जैसे ही वाटर लेवल कम हो जाएगा तो उसके बाद और सफाई करवा देंगे। कुछ लोगों का मकान भी धसने का काम बात आई है? नहीं, अभी तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, मैंने देखा है। नहीं, मैंने तो देखा है ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, बट पानी निकल जाएगा तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी।
बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।